So our next topic in this chapter is about the interaction of radiation with matter. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि different जो radiations हैं उनका interaction देखेंगे कि matter के साथ किस तरह से होता है. So in this regard we are going to discuss the first interaction and it's about the alpha particles. कि how the alpha particles interact with the matter. First of all, what are the alpha particles? So we can say that the alpha particles are the helium nuclei. Basically, ये helium के nucleus होते हैं, having charge number +2, इनके ऊपर जो charge होता है +2 होता है, और mass जो है वो 4 होता है. और जो हमारे पास helium atom है, the same case it has, उसके अंदर दो proton होते हैं, तो mass, उसका charge number 2 आ गया, और दो neutron होते हैं, तो 2 + 2, it makes the 4, so mass number 4 आता है. So basically, alpha particles are what we can say that these are the helium nuclei. They produce ionization when passes through a medium. कहते हैं जब alpha particle किसी medium से pass होंगे, चाहे वो आपके पास gas है या liquid है, तो क्या करेंगे कि ionization जो है वो produce करते हैं. अब वो ionization जब produce करते हैं, तो कैसे? दो method हैं उनके. एक होता है through direct collision के. अल्फा पार्टिकल आपका काफी हैवी पार्टिकल है, जब वो डायरेक्टली जाके कोलाइड करेगा दूसरे एटम्स के साथ है या मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा. ठीक, एक तो आपके पास ये डायरेक्ट कोलिजन हुआ गया, दूसरा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है +2, ऐसी सिचुएशन में जब ये किसी के करीब से गुजरेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और जिससे क्या होगा कि वो आपके पास जो एटम होगा न्यूट्रल एटम वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से दो तरह से आयनाइजेशन जो वो कर सकता है. रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द चार्ज, के अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना, मतलब रेंज में वो किसी मीडियम के अंदर कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं. तो डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, मास, काइनेटिक एनर्जी, के अल्फा पार्टिकल पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कम होगी थोड़ा दूर जा सकेंगे, ज्यादा होगी ज्यादा दूर जाएंगे. डेंसिटी ऑफ द मीडियम, के मीडियम कितना डेंस है, गैसेस के अंदर ज्यादा दूर जा सकते हैं, सॉलिड के अंदर इतना दूर नहीं जा सकेंगे, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होगा. आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम्स है, और फिर जिस मीडियम से गुजर रहे उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है. तो ये बेसिकली बातें हैं, ये चार पांच फैक्टर हैं जो कि डिस्कस करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स की रेंज क्या हो सकती है. अल्फा पार्टिकल्स आर 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन्स. एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की निस्बत 7000 गुना ज्यादा मैसिव होता है, मतलब उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा होता है. They move almost straight in gases due to large mass and charge. गैसेस के अंदर वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा है और उनके ऊपर चार्ज भी काफी ज्यादा होता है. When all of the energy of alpha particle is consumed, then it captures two electrons and becomes a helium nucleus. कि जब आपका अल्फा पार्टिकल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, फिर वो क्या कहता है कि एट गेट से दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और वो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये इसका अल्टीमेटरी कि उसकी जो डेस्टिनी है वो दहकीकत यही है, आपका अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका हीलियम न्यूक्लियस के अंदर तब्दील होता है या हीलियम एटम के अंदर तब्दील हो जाता है. They produce fluorescence when strike with a certain material. ये fluorescence basically आपके पास एक phenomena होता है कि जब आपका कोई particle जो है चार्ज पार्टिकल जाके किसी सर्टन मटेरियल से टकराता है तो उसके अंदर scintillation प्रोड्यूस होती है, मतलब एक हल्का फुल्का सा रोशनी का जो जरा है वो उसमें से पैदा होता है. दैट इज वॉट नाउन एज द फ्लोरिसेंस. हमारे जो पुराने टेलीविजन थे, अभी भी कई घर में मौजूद होंगे CRT वाले, तो उनके अंदर यही फ्लोरेसेंस का ही फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग द पिक्चर ऑन द स्क्रीन. देन हियर वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ द इंटरेक्शन, दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ द बीटा पार्टिकल्स विद मैटर. अब हम देखेंगे कि बीटा पार्टिकल वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहले बात हमारे पास ये आएगी कि बीटा पार्टिकल्स होते क्या है. तो बीटा पार्टिकल आर इन फैक्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेग्लिजिबल मास एंड चार्ज -1. तो सिंपल बात ही खत्म होगी जब हमने कह दिया कि ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
बीटे पार्टिकल वो चीज नहीं है, फर्दर अलग पार्टिकल नहीं था, हकीकत वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है और उस पर चार्ज कितना है, दैट इज द -1 चार्ज इसके ऊपर होता है। आयनाइजेशन एबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स कहते हैं कि 100 टाइम्स लेस होते हैं आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने में एज कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल्स। उसकी रीजन क्या है? रीजन दो है, एक इसके पास चार्ज कम है, -1 चार्ज है, उसके ऊपर +2 चार्ज था, और दूसरा इसका मास बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द अल्फा पार्टिकल। तो अभी आपने पीछे देखा था कि अल्फा पार्टिकल इससे 7000 टाइम्स मोर मैसिव है। तो ऐसी सिचुएशन में ये डायरेक्ट कोलिजन तो नहीं कर सकता, ये सिंपल क्या करेगा कि आयनाइजेशन के थ्रू ही कर सकता है, या डायरेक्ट कोलिजन में ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को ये वहां से बाहर निकाल सकता है, जो आपने पीछे एक्सेस के अंदर पढ़ा भी हुआ है। बीटा पार्टिकल्स आर मोर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय द कोलिजन और रिपल्शन। क्योंकि मास बहुत थोड़ा है तो इसलिए थोड़ी सी भी अगर आपके पास फोर्स होगी तो उसको आसानी से क्या कर सकती है कि डिफ्लेक्ट करवा सकती है या फिर उसको रिपेल करवा सकती है। दे डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। मास क्योंकि कम है और चार्ज है वो -1 है, ऐसी सिचुएशन जब वो मूव करेंगे तो आगे अगर कोई दूसरा नेगेटिव आयन आ चुका है तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो उसको क्या कर देगी कि उसके स्ट्रेट पाथ से हटा देगी। तो यूं इसका जो पाथ होगा वैसा जिड जैग सा होगा, कभी स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर पाएगा। बीटे पार्टिकल रेंज इज मेजर्ड बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो ये कितनी दूर तक जा सकते हैं किसी मीडियम के अंदर डिपेंड ऑन द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये वो मीडियम के अंदर कितना पेनिट्रेट करता है उसके मुताबिक ये जो आसपास पेनिट्रेशन है उसको देखते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एक्सेस व्हेन स्लो डाउन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली हमने एक्सरे के अंदर देखा था कि जब आसपास इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए आते हैं तो वो स्ट्रांगली उनके लिए क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेट होते हैं, जिससे वो क्या है एनर्जी रेडिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्सरे। They produce fluorescence when striking with a certain material. Same आसपास point आ गया कि जब आसपास ये बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन किसी खास मटेरियल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, जैसे कि आसपास फॉस्फोरस है, जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, तो ये ऐसे मटेरियल हैं जब इनके ऊपर चार पार्टिकल आके फॉल करेगा तो उनके अंदर फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। Then here we have the third type of interaction, is called the interaction of gamma rays with the matter. Number one, gamma rays are high energy photons having very small wavelength about 10^-12 meter. अब याद रखिए अल्फा आपके पास पार्टिकल है, बीटा आपके पास पार्टिकल है, लेकिन गैमा रेज है, ये पार्टिकल नहीं। ये बेसिकली क्या होती है कि हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, अबाउट 10^-12 मीटर। एक्सरे की वेवलेंथ हमने देखी थी दैट वाज 10^-10 मीटर थी, 10^-10 मीटर, और ये आसपास जो गैमा रेज हैं इनकी जो वेवलेंथ है 10^-12 मीटर, मतलब एक्सरे से भी 100 टाइम वो लेस होती है। एक्सरेज इंटरेक्ट विद द मैटर इन थ्री डिफरेंट वेज गैमा रेज है एक्चुअली। नंबर वन, at low energies, that is the energy of a photon is less than 0.5 mega electron volt, the dominant process remove electron from metal surface is called the photoelectric effect. aise situation mein kya hoga ki agar aapke paas photon jo incident ho raha hai gamma rays ka uski energy 0.5 mega electron volt se kam hai to wo kya karega ki metal surface se electrons ko eject karwa dega, nikal dega, ये प्रोसेस आपका कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एट इंटरमीडिएट एनर्जीज द डोमिनेंट प्रोसेस इज द काउंटर इफेक्ट। कहता है कि अगर आपके पास जो वेवलेंथ है या जो एनर्जी है फोटॉन की वो एक्सरे के इक्विवेलेंट है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि देयर विल बी अ काउंटर इफेक्ट, फिर आपके पास काउंटर इफेक्ट होता है। और कहता है एट higher energies 1.02 mega electron volt the dominant process is the pair production. ab kehta hai ki agar photon ke paas energy bahut hi zyada hai that is it must be greater than 1.02 mega electron volt, to phir kehta hai ki dominant process hamare paas kya hai, pair production hai,
ये तीनों फिनोमेनास हैं, इनका हम जो है प्रीवियस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 19 वहां पे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन एयर गामा रेज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ एज द लाइट इमिटेड फ्रॉम द लैंप। तो कहता है गामा रेज जो होती हैं वो क्या कहती हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कहती हैं। जैसे कि आपके पास एक सिंपल जो लाइट बल्ब से मीट होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कहती है, तो ये भी एज इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ही ओबे कहती है। इन सॉलिड्स द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डेप्थ। जब आपके पास गामा रेज जो वो जाती हैं उसके अंदर वो डेप्थ के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। कैसे, ये हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन को देखिए जरा इधर, दैट आई इज इक्वल टू द आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। आई नॉट आपके पास ओरिजिनल इंटेंसिटी होगी गामा रेज की, म्यू आपके पास कॉफिशियंट आ जाता है इस मटेरियल का, एंड एक्स आपके पास इफेक्टिव डेप्थ डेप्थ आ जाएगी कि कितनी दूर तक वो यहाँ पे जाती हैं। सो लुक हियर, हियर वी हैव अ कंपैरिजन कि इफ यू हैव द अल्फा पार्टिकल्स, तो हियर वी हैव अ पेपर, एक सिंपल पेपर जो होगा वो अल्फा पार्टिकल्स को रोक लेगा, वो आगे उनको नहीं जाने देगा क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इसमें से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। बीटा पार्टिकल है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पेपर में से बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक सामने एल्युमिनियम फॉयल है जिसके अंदर आप देखो अगर खाने पीने की चीजें लिपटी होती हैं, तो वो एल्युमिनियम फॉयल इनको क्या करेगा कि रोक लेगा। और आखिर पे आपके पास आता है जी गामा रेज जो कि हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, ये क्या हो जाएंगी कि पेपर में से पास हो जाएंगी, एल्युमिनियम फॉयल में से पास हो जाएंगी, और इनको रोकने के लिए आपको एक ठीक लेड शीट चाहिए होगी जो कि इन गामा रेज को रोक सके। तो ये आपके पास आ जाएगा इनका कंपैरिजन इनकी रेंज के लिहाज से कि इनकी रेंज क्या क्या हो सकती है इन सॉलिड्स। एंड लास्टली वी हैव द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर। तो न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट मास ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रल पार्टिकल है मतलब इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, एज दे डोंट हैव चार्ज सो दे कैन एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं है, सो किसी किस्म की अट्रैक्शन रिपल्शन ये फील नहीं करेंगे, तो ये न्यूक्लियस के अंदर तक बड़ी आसानी के साथ घुस सकते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा टूल है न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए। एंड देन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस अ लिटिल इंटैक्ट आयनाइजेशन when they interact with